हमने हर एक फूल को छाट कर रख दिया है। आप अगर खाना बनाने आओ तो हमने गोभी को बड़े सलीके से काट कर रख दिया है। भोजन मंत्रा के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गोभी से बने कोफ्ते की रेसिपी, जिसका स्वाद शाही कोफ्ते से कम नहीं है। वीडियो पसंद आने पे चैनल को अपना लाइक देने के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने गोभी के फ्लोरेट्स को अलग कर लिया है और गुनगुने पानी से थोड़ा धो लिया है। तो अब इन गोभियों को हम ग्रेट कर लेंगे। गोभी के फ्लोरेट्स को मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों में क्रश करके इस तरह से डाल देंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है कोफ्ते में। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और आखिरी में हम बेसन डाल के अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे। पानी हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि गोभी में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। अब हम बाकी का बचा हुआ बेसन भी डाल लेंगे इसमें। तो लगभग मैंने आधा कप बेसन लिया था, तो मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अगर आपको मिक्सचर ड्राई लगे तो आप थोड़ा पानी मिला लें, और अगर गीला लगे तो इसमें थोड़ा सा और बेसन डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा नींबू के साइज का पोर्शन लेके हम बॉल्स तैयार कर लेंगे इस तरह से हाथों में दबाते हुए। तो एक कोफ्ता के लिए बॉल हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब इन बॉल्स को हम फ्राई करेंगे। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम कोफ्ते को फ्राई करेंगे। तेल हो गया है गर्म। अब हम फ्लेम को धीरे करके सारे बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम सारे बॉल्स को डाल लेंगे। ध्यान रहे कि हाई फ्लेम पे हम बॉल्स को नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम सारे कोफ्तों को फ्राई करेंगे ताकि ये ऊपर और अंदर दोनों की तरफ अच्छे से फ्राई हो सके और एक अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम बॉल्स को फ्राई करेंगे। बहुत ही हमें सावधानी से सारे बॉल्स को पलटना है, नहीं तो ये बिखर सकते हैं, और बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे ताकि ये चारों साइड से अच्छे से फ्राई हो सके। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इन सारे कोफ्तों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल। तेल को हम गरम होने देंगे। तेल हमारा हो गया है गरम। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा। जीरा हमारा चटक गया है। इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हम भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा भून गया है। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने काट लिए थे, इन्हें हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा भुन गया है। इसमें अब हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और स्वादानुसार नमक। नमक हम यहाँ पे हिसाब से डालेंगे क्योंकि कोफ्ते में भी हमने नमक डाला था, तो ग्रेवी में आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन सके। पानी डाल के मसाले भुनने में मसाले जलते भी नहीं है और ये अच्छे से पक जाते हैं। मसालों को हम तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से तेल नहीं निकल जाता। मसालों को 2 मिनट भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर थोड़े लाल होने चाहिए, इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। टमाटर को हम पूरी तरह गलने तक पकाएंगे। टमाटर को अच्छे से पकने के लिए हम इसे किसी प्लेट से कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी पक जाएं। तो अब हम टमाटर को देख लेंगे। हमारे टमाटर पक गए हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। आप
चाहें तो टमाटर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, इससे टमाटर जल्दी पक जाएंगे। अब मसाले भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब आखिरी में इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे एक बार। तो गरम मसाला डालने के बाद इसमें हम डालेंगे करीब 2 बड़े कप पानी और अच्छे से हम ग्रेवी में उबाल आने तक पका लेंगे। कोफ्ते को हम अभी नहीं डालेंगे, जब इसमें उबाल आ जाएगा तब कोफ्ते को डालेंगे। अभी अगर हम कोफ्ते को डालेंगे तो कोफ्ते हमारे बिखर सकते हैं, कोफ्ते हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है, ग्रेवी हमारी उबल रही है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब कोफ्ते डालने से पहले हम फ्लेम को लो कर लेंगे। तो अब हम धीरे धीरे सारे फ्राई किए हुए कोफ्ते को डाल लेंगे, बड़े ही आराम से हम एक बार चला लेंगे। और यहाँ पे हमें कोफ्ते को ज्यादा पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट के लिए हम ग्रेवी के अंदर कोफ्ते को पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, कोफ्ते भी हमारे ग्रेवी के अंदर डलते ही अच्छे खासे फूल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब गर्मा गर्म गोभी के कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो हम इसे एक सर्विंग बाउल में अब निकाल लेंगे, गैस को कर लेंगे बंद। बहुत ही डिलीशियस यमी गोभी के कोफ्ते बने हैं, ये देखने में एकदम रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है, जैसा आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं बिल्कुल वैसा ही कलर, वैसा ही टेक्सचर आया है। तो इस गर्मा गर्म गोभी के कोफ्ते को जरूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। रेसिपी की कंप्लीट डिटेल चैप्टर वाइज बारीकियों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, कृपया उन्हें देखें। साथ ही साथ रेसिपी का लुत्फ़ उठाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।